नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, पानी पीना सेहत के लिए कितना महत्वपूर्ण है शायद यह बताने की जरूरत नहीं है। भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करने से आप कई तरह की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें पानी कैसे पीना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को खड़े होकर पानी पीने की आदत होती है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आप कई तरह की बीमारियों को दावत देते हैं। आइए जानें आपकी इस आदत के कारण आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। किडनी की बीमारी। जी हाँ, किडनी का काम पानी को छानना होता है, लेकिन खड़े होकर पानी पीने से पानी किडनी से सही तरीके से बिना छने ही बह जाता है, जिससे किडनी और मूत्राशय में अक्सर गंदगी रह जाती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको यूरिन मार्ग में इन्फेक्शन और किडनी की बीमारी हो सकती है। खड़े होकर पानी पीने से सबसे प्रमुख समस्या जो सामने आती है वह अर्थराइटिस है। अगर आपको भी खड़े होकर पानी पीने की आदत है तो भविष्य में आपकी यह आदत आपको अर्थराइटिस का शिकार बना सकती है। खड़े होकर पानी पीते रहने से जोड़ों में मौजूद तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ जाता है और इन तरल पदार्थों का संचय अधिक मात्रा में जोड़ों में होने लगता है, जिससे अर्थराइटिस की समस्या होती है। और आजकल इस समस्या से बहुत लोग परेशान हैं। खड़े होकर पानी पीने से पानी फूड पाइप के जरिए तेजी से नीचे बह जाता है। तेज धार पड़ने से पेट की अंदरूनी दीवार और आसपास के अंगों को नुकसान पहुंचता है। बार बार ऐसा होते रहने से पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में यह उल्लेख किया गया है कि बैठकर भी आपको धीरे धीरे और छोटे छोटे घूंट में पानी पीना चाहिए। यह पानी के आवश्यक अनुपात के साथ मिलकर शरीर में एसिड के स्तर को ठीक करने में मदद करता है। लेकिन खड़े होकर पानी पीने से शरीर में एसिड का स्तर कम नहीं होता है। अब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपकी प्यास पूरी तरह से बुझ नहीं पाती है और आपको बार बार पानी पीने की इच्छा करती है। इसलिए अपनी प्यास को बुझाने के लिए बैठकर छोटे छोटे घूंट में पानी पिए। जब आप हमेशा पानी पीते हैं तो आपके मसल्स और नर्वस सिस्टम अधिक रिलैक्स होता है और इस तरह नर्वस तेजी से तरल को पचाने में मदद करता है, जबकि खड़े होकर पानी पीने से आप हमेशा अपच के शिकार रहते हैं। इस तरह से खड़े होकर पानी पीने की आदत बीमारियों को न्योता देती है। तो समझ गया ना आप कि आपको सेहतमंद रहने के लिए क्या करना है? दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।